हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो मच अवेटेड आईपीओ एलआईसी ऑफ इंडिया का था, वो फाइनली अनाउंस हो चुका है। उसकी ईच एंड एवरी डिटेल अब हमारे पास है, तो वो मैं आपके साथ साझा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही हम बात करेंगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, उसके साथ साथ इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसके खुलने की तारीख है वेडनेसडे 4th of May और बंद होने की तारीख है मंडे 9th of May। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम मिलेगा इस पर्टिकुलर आईपीओ को लगाने के लिए। वही अगर एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो उसका जो एंकर इन्वेस्टर की जो बिडिंग है वो होगी मंडे को 2nd of May। इश्यू का जो फेस वैल्यू की बात करें तो वो ₹10 का एक शेयर जो है वो होने वाला है। इश्यू का जो साइज होगा लगभग 20,500 करोड़ का रहेगा, ठीक है ना। तो ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ होगा। ये अब पेटीएम को भी पीछे छोड़ देगा। पहले इससे पहले पेटीएम का जो आईपीओ था वो इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ था, अभी जो है वो एलआईसी का हो जाएगा। इसके बाद बिड लॉट की अगर हम बात करें तो वो 15 शेयर आपको लगाने होंगे मिनिमम, और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 15, मतलब 15, 30, 45, उसके बाद 60, फिर 75, 90, इस टाइप से। प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो ₹902 से लेकर ₹949 का प्राइस बैंड रहने वाला है। इंप्लॉइज के लिए अलग से रिजर्वेशन है लगभग 136 से 143 करोड़ की। पॉलिसी होल्डर की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी लगभग 1850 से लेके 1900 करोड़ का जो है वो रिजर्वेशन रहेगा। रिटेल्स और इंप्लॉइज के लिए जो डिस्काउंट है वो ₹4500 का है। पॉलिसी होल्डर के लिए जो डिस्काउंट है वो ₹60 का है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर की हम बात करें तो वो 50% का उनका जो है वो कोटा रिजर्व है। वही अगर हम HNI की बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर की, तो उनका जो कोटा है वो 15% का है, और रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसमें मोस्टली हम लोग आते हैं वो उसका जो कोटा है वो 35% का रहने वाला है। रजिस्ट्रार की अगर हम बात करें तो वो KFintech प्राइवेट लिमिटेड है, जिस पर आपको अलॉटमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। लिस्टिंग होगी BSE और NSE के टर्मिनल पर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अगेंस्ट द प्राइस ऑफ ₹949, अभी 50 से लेके ₹55 के आसपास का जो वो प्रीमियम जो है वो चल रहा है मार्केट में। आई नो कंपैरेटिवली कम है, बट जो इसका इश्यू साइज है वो काफी बड़ा है, जिस वजह से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम है। आने वाले टाइम में ये काफी अच्छे जो रिटर्न जो है वो आपको कमा के दे सकता है LIC का जो शेयर है। तो इसको आप जरूर अप्लाई करिएगा, अपने सारे फैमिली के डीमैट अकाउंट से करिएगा। और अगर आपके पास इसकी LIC की पॉलिसी है तो आप पॉलिसी होल्डर के अकाउंट से भी कर सकते हैं अप्लाई, और साथ ही रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बंदा जो है वो दो कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, और अगर आप इंप्लॉई हैं तो भी आप दो कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, एक इंप्लॉई कैटेगरी में और एक रिटेल कैटेगरी में। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही इंफॉर्मेशन कन्वे करनी थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।